इंडियन रियासत गुजरात के पानेली मोटी गांव का ये घर बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दादा पूंजा भाई ठक्कर का था। जिन्ना के वालिद जीना भाई पूंजा की पैदाइश भी इसी घर में हुई थी। इस गांव की आबादी तकरीबन 13,000 है। यहाँ का बच्चा बच्चा मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी अपनी पहचान को बखूबी जानता है। उनसे अगर पूछें कि जिन्ना का घर कहाँ है तो वो आपको उनके घर तक पहुंचा देंगे। इस घर में अब परवीन भाई पोपट भाई पोकिया रहते हैं। ये घर जिन्ना के दादा का था और इस पहचान के साथ यहाँ रहना परवीन भाई के लिए आसान नहीं है। गांव से लेकर शहर तक उनकी पहचान यही है कि वो जिन्ना के घर में रहते हैं। ये घर मेरे दादा ने खरीदा था कई सालों पहले, और ये मोहम्मद अली जिन्ना का मकान है। और ये गांव के जो बुजुर्ग है वो सब बोलते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार के लोग यहाँ रहते थे, बाद में वो दूर चला गया अपना व्यवसाय करने के लिए। और हम जब छोटे थे तब हमको मालूम हुआ कि ये मकान पाकिस्तान के बड़ा जो आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, उसी का मकान है और हम इसमें रह रहे हैं। तो हमको लोग पूछते थे कि वो मकान क्या है, कैसा है, तो हम कहते थे कि जो हम रह रहे वो मकान ही मोहम्मद अली जिन्ना का है और हमारे पूर्वजों ने ये खरीदा था। पहले वो ठक्कर नाती के थे और धर्म परिवर्तन करके वो मुसलमान बन गए, जो खोजा आता है वही, और ये मोहम्मद जिन्ना से जिन्ना हो गया ऐसा बोलते हैं। पहला जिन्ना भाई था, बाद में उसने मोहम्मद अली जिन्ना कर दिया। गांव वाले भी जिन्ना से जुड़ी यादों को खुलकर बयान करते हैं। मोहम्मद अली का बर्थ नहीं है, उसका दादा परदादा का गांव यही है। और वो लोहाना का था, ठाकुर जी के सेवा थी उसके घर में। पहले हिंदू थे, लोहराना रघुवंश सिंह नाती के थे, पर बाद में उसने वो सुखी मछली, क्या बोलते उसको, झींगा सोनिया, उसका बिजनेस शुरू किया इधर। और फिर हमारे ज्ञाती ने उसको नाथ बार निकाला, नाती से बार निकाला। 2005 में बीजेपी के उस वक्त के सदर लाल कृष्ण अडवाणी पाकिस्तान आए थे। वो कराची में जिन्ना के मजार पर भी गए और खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें हिंदू मुस्लिम हमाहंगी का पयाम्बर बताया था। उन्होंने जिन्ना की तारीफ में वहां रजिस्टर में लिखा था कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने तारीख में बड़ी छाप छोड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने तारीख बनाई है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उन कुछ लोगों में से एक हैं। अडवाणी के इस बयान से बीजेपी में काफी बड़ा तनाजा पैदा हो गया और पार्टी ने उनसे दूरी अपना ली थी। ये तनाज़ा जिन्ना के गांव पानेली मोटी तक पहुंच गया और उनके आबाई घर में मीडिया की मौजूदगी शुरू हो गई। परवीन भाई पोकिया का खानदान मीडिया से परेशान हो चुका है। इस घर को देखने राजकोट जिले के सरकारी अहलकार भी आते रहते हैं। परवीन भाई पोकिया अब इस घर को फरोख्त करना चाहते हैं। मार ससुरा ये खरीद के करेला से हूँ आया पहला ना, अत्यारे हमारे पैसा जरूर हो तो खरीदी करना। वो बाहर से कोई अपने मोटा मोटा साहेब हो, बैंक ना साहेब हो, कोई कलेक्टर हो, मामलतदार हो, या से कोई दिल्ली से आया है यहाँ कोई, तो सभी पानेली में आते हैं कोई भी, तो वो देखने आता है कि वो पानेली आया है तो मकान तो देखना जाते हैं ना। परेशान तो ये होता है कि वो टाइम को कोई नहीं है, अब दोपहर को सोता है तो आता है 2 बजे 3 बजे 4 बजे, उसका कोई टाइम टेबल तो नहीं है, आके खखड़ाते हैं खोलिए। जिन्ना समेत जनूबी एशिया के अहम रहनुमाओं की तारीख लिखने वाले मशहूर मुअर्रिख स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि जिन्ना की पैदाइश शिया मुस्लिम खोजा खानदान में हुई थी। खोजा कारोबारी बरादरी से होते हैं और कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफर करते हैं। स्टैनली ने लिखा है कि खोजा दूसरी सकाफत, जुबान और आबोहवा को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। पानेली मोटी गांव में अब भी खोजा बरादरी के 7 घर हैं। जिन्ना के दादा हिंदू थे और कारोबारी बरादरी लोहाना ठक्कर जात से थे, लेकिन उनके आबाओ अजदाद हिंदू से मुसलमान कैसे बने और ये खानदान पानेली मोटी गाँव से पाकिस्तान कैसे पहुंचा? पुंजा भाई मच्छीमारी का मतलब मच्छी का वो बिजनेस कर रहे थे, मच्छी बेचने का, और लोहाना कम्युनिटी में क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी थी, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स उस मानों में थी
इसलिए वो ऐसे मच्छी का व्यवसाय नहीं करें, ऐसा एक विरोध उनकी कम्युनिटी में से उठा। क्योंकि वो डिस्कार्डेड हो गए थे इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इंडिया के साबिक वजीर खारजा जसवंत सिंह ने अपनी किताब जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में लिखा है कि पूंजा भाई अपने तीनों बेटों वलजी भाई, नथु भाई, जीना भाई और एक बेटी मान बाई के साथ हमेशा पानेली गांव में रहे। पूंजा भाई के सबसे छोटे बेटे जीना भाई ने गांव छोड़ने का फैसला किया और पास के इलाके गोंदाल चले गए। आखिरकार 1875 के आसपास जीना भाई अपनी अहलिया मिठी बाई के साथ कराची चले गए। वहां उनका कारोबार खूब फला फूला और जिना की पैदाइश भी यहीं हुई। जीना भाई पानेली मोटी गांव से दूर होना नहीं चाहते थे। स्टैनली वॉलपर्ट ने लिखा है कि 1893 में जिनाह के लंदन जाने से पहले उनकी वालदा ने पानेली मोटी की ही एक लड़की एमी बाई से उनकी शादी करवा दी। लेकिन जिना जब लंदन से लौटे तो ना उनकी वालदा जिंदा थी और ना ही उनकी बीवी।